चुनावी दौर में सब अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हिसार से जेजेपी और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला भी गांव गांव में जाकर वोट अपील कर रहे हैं और इसी के तहत दुष्यंत चौटाला ने हल्का उकलाना का भी दौरा किया। लोकसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार में जुटी, दुष्यंत चौटाला भी प्रचार के लिए गाँव गाँव जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने हल्का उकलाना के कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ उकलाना विधायक समेत जेजेपी और आम आदमी पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज लोगों से यही आग्रह और अपील कर रहे हैं कि कमर कसकर आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को एक ताकत दे, शक्ति दे और प्रदेश के अंदर आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए परिवर्तन के तौर पर चप्पल का बटन दबाकर जननायक जनता पार्टी को जिताने का काम करें। लोगों को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 5 साल तक उन्होंने सांसद के रूप में सेवा की है और हिसार लोकसभा क्षेत्र में कई कार्य किए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 12 मई को ज्यादा से ज्यादा चप्पल के निशान पर मतदान करके दोबारा से उन्हें संसद में भेजने का काम करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आज बीजेपी की हालत क्या है। मुख्यमंत्री खट्टर अगर इतना दम रखते और कहते हैं 5 साल में प्रदेश में उनने विकास कराया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो पोस्टरों से मोदी की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगाए और देख ले जनता क्या जनमत दे। रातों रात जनता उनकी जमानत जब्त कराने का काम करे। बहरहाल दुष्यंत प्रचार में जुटे हैं और जन समर्थन मिलने की बात भी कह रहे हैं। फिलहाल वोटरों को अब इंतजार 12 मई का है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और प्रत्याशियों को इंतजार 23 मई का है, जब उनके भाग्य का निर्णय होगा। उपलाना से अनूप कुंडू की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।